राहुल गांधी लगातार पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ ठंड है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। हरियाणा में अगर बात करें तो इस यात्रा का अंतिम दिन है आज, यानी हरियाणा में अब ये यात्रा आपको दोबारा दिखाई नहीं देगी। दो चरण में हरियाणा में ये यात्रा देखने को मिली। और आज की अगर बात करें तो अंतिम दिन अम्बाला की अगर आप बात करेंगे तो अम्बाला में रात्रि पड़ाव था, वहां से शाहपुर से शुरू हो गई और अब ये अम्बाला कैंट कवर करते हुए सिटी में प्रवेश कर चुकी है। और आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर दोपहर 3:30 बजे ये यात्रा पहुंचेगी। शंभू बॉर्डर वो बॉर्डर है जहां से कि आप हरियाणा और पंजाब को जोड़ते हैं और वहां से ये यात्रा पंजाब में प्रवेश कर जाएगी। तो राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, शाहपुर से ये शुरू हुई। पुलिस ने एहतियातन आपको बता दें कि दिल्ली चंडीगढ़ जो हाईवे है उसको बंद कर रखा है जिससे कि परेशानी किसी तरह की ना हो। तो पांचवा दिन और अंतिम दिन भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में, दूसरे चरण का पांचवा दिन पंजाब में यह यात्रा आज प्रवेश कर जाएगी। अम्बाला के शाहपुर से ये यात्रा शुरू हुई, पांचवें दिन की शुरुआत हुई, अम्बाला कैंट को कवर करते हुए सिटी में प्रवेश करा और उसके बाद आपको बता दें कि ये शंभू बॉर्डर होते हुए पंजाब में प्रवेश कर जाएगी। इस यात्रा की अगर बात करें तो फिर दिल्ली और चंडीगढ़ का जो हाईवे है उसे फिलहाल बंद किया गया है इसी वजह से, जिससे कि किसी तरह की परेशानी ना हो। और हरियाणा की अगर बात करें दो चरण, और दोनों चरण में खासा उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिला और कार्यकर्ताओं में।